जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विल्सन थ्योरम। अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम में आपका फर्मेट थ्योरम पढ़ा और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, SSC के एग्जाम में खास तौर से पूछी जाती है। तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपका p-1 ( p दिया हुआ है तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा p-1 ही आता है। ठीक है, यहाँ p इज ए प्राइम नंबर, यानी p क्या है, अभाज्य संख्या है, और p यहाँ पे आपका p-1 और ये कोष्टक में फैक्टोरियल है, और बटे p बराबर p-1। कहने का मतलब अगर मैं p कोई प्राइम नंबर मान लेता हूँ 5, ठीक है दोस्तों, p प्राइम नंबर है तो ऊपर क्या आना चाहिए, 5 - 1 / फैक्टोरियल। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसका आंसर आएगा 5 - 1, यानी कि 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 5 - 1 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं रिवर्स आ रहा हूँ, अगर ये आपका स्ट्रक्चर है 4 * 5 आपका स्ट्रक्चर है तो आपको आंसर क्या देना है, 4 ही देना है। ठीक है, और एक सवाल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 6 * 7, क्या ये विल्सन को फॉलो करता है? आप बोलोगे सर यस सर करता है। कैसे करता है, ये p-1 है, 7 - 1 / 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 - 1 = 6 शेषफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी 6 = 4 शेष आ जाएगा। और आगे ले लेता हूँ, जैसे 10 * 11, 11 क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से एक कम, p-1 ये हो जाएगा 11 - 1 / 11, यानी कि शेष क्या आएगा, 11 - 1, यानी कि शेषफल 10 ही आता है। कहने का मतलब जो फैक्टोरियल दिया हो वही आपका शेषफल हो जाता है। यहाँ पे फैक्टोरियल क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ फैक्टोरियल 10 दिया, बस हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो, एक होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, 7 में क्या आ रहा है, 6 शेषफल आ रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और इससे एक कम है। जैसे कि मैं मान लो ले लूँ आपका 40 * 40 * 41, अगर इस तरह का कुछ है तो आप फट से निकाल दोगे, आप बोलोगे सर 40 ये इसका क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। तो ये था विल्सन थ्योरम। ठीक है दोस्तों, विल्सन थ्योरम कुछ ज्यादा खास नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन आता है उससे। ठीक है, तो ये विल्सन थ्योरम था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विल्सन थ्योरम से, कुछ आज सवाल पढ़ते हैं जो आपके मेंस लेवल के हैं और थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा हार्ड रहेगी क्योंकि लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास है आज रिमाइंडर थ्योरम की, इसलिए इसमें सवाल थोड़ा आपके क्या रहेंगे, हाई लेवल के रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं ले लूँ 37 की पावर 100 / 7, मुझे इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर याद करना है, रिमाइंडर क्या आएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 7 और 37 का कुछ बन नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, 7 का भाग दे दूंगा 37 में, तो कितनी बार जाएगा, 35, यानी 2 शेषफल बचेगा, यानी 2 की पावर 100 कर सकता हूं मैं, 2 की पावर 100 / 7। अब मुझे पता है कि 2 की पावर 3 करने पे 7 के नजदीक आ जाता है, तो 2 की पावर 3 / 3 = 99 / 2, ये बन जाएगा आपका 100। भाई 3 * 33 = 99 / 1 तो हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 33 / 2 / 7। अब 7 का भाग 8 में देंगे तो 1 से 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर आप प्लस की पावर कुछ भी करो तो प्लस आता है, तो 1 / 2 यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का जैसे 11 की पावर क्या ले रखूं, 11 की पावर 77 / 7, अब इसको करना है। ठीक है, इसका हम दूसरा तरीका भी सीखेंगे, अभी हम इस तरीके से जो अभी तक सीखते हैं हम उसको भी सीखते हैं। तो
देखो ये 11 का भाग 7 का भाग 11 में देखो तो 4 शेष फल 4 बचेगा, यानी 4 की पावर फिर से करेंगे 77/7, इसको फिर 2 बनाएंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 154/7। भैया हमने 2 की पावर 2 किया और 77 किया तो 154 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 की पावर 3 लेके आना है, 2 की पावर 3 कर देंगे और इधर आ जाएगा आपका 5 1 और 1 पावर आपकी बच जाएगी तो 2/7। ठीक है, समझ में आया? इसको मैंने तोड़ दिया 2 की पावर 1 में, आप इसको करोगे तो 154 ही आएगा। अब इधर हो गया 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 3 होता है 8, 8 की पावर 51 2/7। अब 7 में जब 8 का भाग दोगे तो +1 आएगा आपका रिमाइंडर और 1 की पावर 51 और 2/1, तो 1/2 कितना हो गया, रिमाइंडर आ गया आपका 7। ओके, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया सॉरी 2 आ गया। ओके दोस्तों, तो आपको इस तरह से इन सवालों को क्या करना है, फर्दर करते जाना है, फर्दर तोड़ते जाना है। अगर मान लो ये सीधा सीधा भाग नहीं हो रहा है तो आप रिमाइंडर जो भी आ रहा है फिर रिमाइंडर को फिर आप उसको वैसे बनाओ जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। यानी एक बार रिमाइंडर आया फिर उस रिमाइंडर को, अभी यहाँ पे देखा हमने 37 से भागने जा रहा है, 2 रिमाइंडर आया था, फिर 2 रिमाइंडर को फिर हमने वही प्रोसेस किया और हमने फाइनल आपका रिमाइंडर निकाल दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या आया, जब 7 का भाग दिया हमने 11 में तो 4 शेषफल आया और 4 शेषफल को फर्दर हमने यहाँ पे बनाया इसको, कि हम कैसे इसको कैसे काट सकें। तो हमने यहाँ पे देखो बनाया 2 की पावर 3/8, ये आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूँ। अरे दोस्तों, इसका अभी दूसरा तरीका सीखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 की पावर 77, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7 का भाग दिया 37 में तो कितना बचा 2, 2 की पावर 100/7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि 2 की पावर 1 का भाग अगर मैं 7 में देता हूँ तो शेषफल क्या बचता है 2 बचता है, और 2 की पावर 2 में भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचता है 4 बचता है, 2 की पावर 3 में भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, ऐसे में अब फिर से अगर 2 की पावर 4 करूं, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16/7 करूं तो 4 आता है, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 को फिर 7 से भाग दूंगा तो क्या आता है 4, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 64 का 7 से भाग दूंगा तो आता है 1। आप देख रहे हो कि ये साइक्लिसिटी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, हर 3 पावर के बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है, और हर 3 पावर पे हमें क्या मिल रहा है रिमाइंडर, क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अगर आपकी आपकी पावर क्या है ए, मान लो कि 1 है और 4 है, इस तरह से हर 3 के बाद क्या हो रही है, अगर मान लो 3 पावर है, 3 सेट कोई डिविजिबल है, यानी 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 9 हो गया, 3 की पावर 12 हो गया, तो हर बार आपको अगर 7 से भाग दे रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो हमें इसी साइक्लिसिटी का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे भैया, यहाँ पे 2 की पावर 3 बनाएंगे, क्योंकि 3 पे हमें क्या मिल रहा है 1 शेषफल मिल रहा है, तो 2 की पावर 3/33 और 2/7। अब 2 की पावर 3 पे हमें क्या मिल रहा है 1 शेषफल मिल रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, 1 की पावर 33 हो तो 1 ही रहेगा और 7 में 2 रहेगा, तो 7 में जब 2 7 का भाग 2 में देंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो यानी कि ये 2 शेषफल।
ठीक है दोस्तों। अब इधर हमें करना है वही, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, जब 7 का भाग 11 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 4 शेषफल बचेगा, 4 की पावर 77/7। अब यहाँ पे भी हम साइक्लिसिटी चेक करेंगे, किसकी, 4 की। 4 का भाग, जब 4 में 7 का भाग दे रहा हूं तो क्या बच रहा है, 4 की पावर 1, तो ये बच रहा है आपका 4, और 4 की पावर 2 मैं भाग दे रहा हूं तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और 4 की पावर 3 मैं 7 का भाग दे रहा हूं तो क्या बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। और जहां 1 शेषफल बचना शुरू हो जाए वहां पे आपकी साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, रिपीट शुरू हो जाता है, यानी कि हर 3 पावर पे आपका शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। कहने का मतलब हमें इसको हर 3 पावर पे क्या होगा, बनाना पड़ेगा, यानी 4 की पावर 3 और ये हो जाएगा 25, 25 75, ठीक है, और 4 की पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 2/7। ओके दोस्तों, तो देखो 4 की पावर 3 पे क्या 1 शेषफल आ रहा है, हमने देखा, तो इसका पूरा 1 शेषफल हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी रहेगा, तो 1 × 16 आ रहा है, 7/7, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 × 2 = 14, 16/7, यानी कि 2 शेषफल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो तरीका था वो जो भी हमने सीखा, और एक तरीका ये था, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, साइक्लिसिटी चेक करके कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2 में तोड़ो, 2 की पावर क्या करो, 154 करो, फिर उससे करो, ठीक है, जैसा अभी सिखाया, या आप इसकी साइक्लिसिटी चेक करके, यानी कि हर 3 पावर इसको फिर से करोगे, जैसे 4 की पावर 4 करते हो आप तो आपको शेषफल 4 मिलने वाला है, 4 की पावर 5 करोगे तो आपको शेषफल 2 मिलेगा, और 4 की पावर 6 करोगे और 7 से भाग दोगे तो आपको शेषफल 1 मिलेगा। इधर भी आप भाग दोगे 7 से तो शेषफल 2 मिलेगा, इधर भी आप भाग दोगे 7 से तो शेषफल 4 मिलेगा, यानी कि हर 3 पावर के बाद साइक्लिसिटी आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हर 3 पावर पे आपको बना देना है, और ये आपका रिमाइंडर 1 दे देगा, जो भी पावर बचती है उसमें आप 7 का भाग दे देंगे, वही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं, वन ऑफ द टफेस्ट सवाल होते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, ठीक है, इससे बड़ा लेवल आपके ऊपर एग्जाम में नहीं जाता है। ये 2 सवाल आपको सबसे ज्यादा टफ आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, ये आपके मेंस लेवल का है, ठीक है, कैट लेवल का भी है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखा है 32 की पावर 32/7 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं, आपको तरीका सीखना है, 32 की पावर n/7, यानी कि जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको आपने क्या मान लिया, n मान लिया, 32 की पावर 32, ठीक है, इसको आपने मान लिया n। अब 7 का भाग दे रहे हो 32 में, तो 7 × 28 + 6 = 4, तो हो गया 4 की पावर n/7, इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी चेक करेंगे, 4 की पावर 4/7, अगर 4 की पावर 1 बचता है, कहने का मतलब 4 की पावर 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 4, और 4 की पावर 2 तो शेषफल क्या बचेगा आपका, बचेगा 2, 4 की पावर 1, जब 4 का भाग हम 4 में 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा शेषफल, और 16 में 7 का भाग देंगे तो आपका 2 शेषफल आएगा, और 4 की पावर 3 होता है 64, 64 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल आता है 1, यानी कि हर 3 पावर के बाद क्या हो रही है, साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यानी कि ये जो एन दिया है, एन जो आपका दिया है 32 की पावर 32,
अब हर 3 पावर के बाद साइक्लिसिटी चेक मतलब रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे एन में 3 का भाग दे देंगे, जो भी शेष फल बचेगा वह हम यहाँ पे 4 की पावर में रख देंगे। आया समझ में दोस्तों? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले इसको एन मान लिया, यहाँ पे 7 का भाग 32 में दिया, तो 4 की पावर 7 आ गया। अब मैंने साइक्लिसिटी चेक की, तो हर 3 पावर के बाद क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि एन में 3 का डिवाइड करने के पर भाई साइक्लिसिटी क्या हो रही है आपकी, हर 3 पावर के बाद बदल रही है, तो आप एन में क्या करोगे 3 का भाग दोगे, और जो भी शेष फल आएगा वो 4 की पावर में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 का इसमें भाग दूंगा 32 में, तो कितनी बार जाएगा, -1 शेष फल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। आप इधर देखो एन बराबर दिया है आपको 32 की पावर 32, और हर 3 पावर के बाद साइक्लिसिटी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो 3 का भाग दोगे, तो 3 का भाग 32 में दोगे तो -1 आएगा, क्योंकि अगला नंबर क्या होता है 33 होता है, और -1 की पावर 32 कर दोगे तो क्या है 1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि इवन पावर है, तो 1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि आपकी साइकिल 3 बार रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट हो गई, आखिर में पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या ले दूंगा 4 की पावर 1/7, यानी शेष फल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? इसको भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी समझते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया, यानी 29 की पावर n, इसको मैंने n मान लिया /25। ओके, अब 25 में 29 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 4 शेष फल बचेगा, 4 की पावर n/25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, साइक्लिसिटी चेक करनी है। तो देखो 4 की पावर 1 का भाग दूंगा 25 में, तो क्या बचेगा शेष फल 4 ही बचेगा, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 में 25 का भाग दूंगा तो 16 बचेगा, 4 की पावर 3 है, इसमें मैं भाग दूंगा तो 64, यानी कि आपका बच जाएगा 14 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर 4 है, ये होता है आपका क्या 64 32, ये बचेगा आपका 25, 4 की पावर 4 में 256 होता है, और 250 यानी कि 6 शेष फल बच गए, और 2 की पावर 5, देखो 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 4 होता है 256, और फिर 1 पावर ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 की पावर 5, इधर 5 करूँगा तो हो जाएगा 30, 25 28, और ये 5 10 2 12 1280। ठीक है, यानी कि 4 की पावर 5 होता है 1024। ठीक है, 4 की पावर 5 होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 1024 में अगर 5 का भाग देता हूँ तो हमारा आता है -1। ठीक है, शेष फल आता है -1। ओके दोस्तों, अब जब -1 आ गया है तो हमेशा याद रखना कि जब -1 आता है तो साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, -1 से डबल हो जाती है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, अगर -1 5 पावर के बाद आया है तो इसकी साइक्लिसिटी किसके बाद होगी, हर 10 पावर के बाद साइक्लिसिटी क्या होगी, रिपीट होगी। इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको अगर आपको फालतू टाइम हो या आपको फ्री बैठे हो तो आप उसमें क्या करोगे, इसको चेक करोगे, यानी हर 10 पावर के बाद आपकी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। जब -1 आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, फिर आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 4 की पावर 10 पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा प्लस, आप चेक कर लेना। ठीक है, यानी कि हर 4 की पावर 10 के बाद आपका साइक्लिसिटी क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 67 ऊपर मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, उसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो हमने देखा कि यहाँ पे साइक्लिसिटी हर 10 पावर के बाद रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा एन में 10 का भाग दे दूंगा। एन मेरा क्या था 67 पावर 23/10।
ठीक है, यही था दोस्तों। अब 10 का भाग मैं 63 में दूंगा तो -3 रिमाइंडर बचेगा, -3 की पावर 23/10। ठीक है, अब -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 को लिख सकता हूँ 3 × -3 की पावर 22। ठीक है, और ये 10। अब यहां से मैं क्या बना सकता हूँ, -3 × -3 की पावर 2 का होल पावर 11/10। ठीक है, ये हो जाएगा -3, और इधर बचेगा आपका 9, 9 की पावर 11/10। अब इसका भाग दोगे तो ये शेष फल क्या बचेगा, 3 इधर से करोगे तो -1, और -1 की पावर ऑड है तो -1, यानी शेष फल आपका 3 आ गया। ओके दोस्तों, शेष फल क्या मिला आपको, 3 मिला। ठीक है, अब 3 शेष फल मिल गया। तो भैया यहाँ पे देखो, जब मैं 10 का भाग देता हूँ इसमें, तो यानी कि साइक्लिसिटी क्या हो रही है, हर 10 पावर के बाद रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी पावर बचेगी आपकी, यहाँ पे 3 पावर बचेगी, यानी 4 की पावर 3/25, और 4 की पावर 3 क्या होता है, 64/25, यानी कि आंसर क्या आएगा, शेष फल आपका आएगा 14 शेष फल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, ये आपका मेंस लेवल का, एसएससी का। ठीक है, तो आपको फिर से समझा देता हूँ क्या किया मैंने, ये लिया लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 29 की पावर 67 की पावर 23/25, मुझे बताना था कि इसका शेष फल क्या आएगा। ठीक है, शेष फल क्या आएगा, मैंने क्या किया, इसको एन मान लिया, एन मानने के बाद 29/25 की पावर n हो गया। ठीक है, अब 29 में मैंने 25 का भाग दे दिया तो रिमाइंडर बचा 4 की पावर n/25। अब मुझे क्या करना है, साइक्लिसिटी चेक करनी है। तो 4 की पावर 1/4 आता है, 4 की पावर 2/16, 4 की पावर 3/14, 4 की पावर 4/6 शेष फल आता है, और 4 की पावर 5/-1 शेष फल आता है। ठीक है, अब जब आप करते चले जाओगे तो 4 की पावर 10 पे क्या आएगा, +1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि हर 10 पावर पे आपकी साइक्लिसिटी क्या होगी, बदलती रहेगी। अगर ये 4 5 पावर पे -1 आया है तो 5 और जोड़ दोगे तो साइक्लिसिटी पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी हर हर 10 पावर पे आपका साइक्लिसिटी बदलती जाएगी। इसलिए n में हम 10 का भाग दे देंगे, जो भी शेष फल बचेगा उसमें हम यहाँ पे आगे कर देंगे। 10 की पावर n में 10 का भाग दे दिया तो ये n का मान रखा हमने -3/10। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको क्या किया, सोल्व किया, -3 को बाहर ले लिया, -3 की पावर 22/10, -3 और -3 की पावर 2 की पावर 11, या -3/9 की पावर 11, और जब 10 में 10 का इसमें करेंगे तो -3 रिमाइंडर आएगा, इधर करेंगे तो -1, यानी शेष फल 3 आ गया। कहने का मतलब यानी कि हर 10 पावर पे क्या हो रही है, साइक्लिसिटी बदल रही है, और जब मैं साइक्लिसिटी बदलने के बाद हर 10 पावर पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि इसमें 3 3 पावर बच रही है। ठीक है, यानी कि साइक्लिसिटी आपकी 10 पावर के बाद बदल रही है, और शेष फल आपका 3 बच गया, और इसी शेष फल जो 4 की पावर 3 है यहाँ पे हम रख देंगे, 4 की पावर 3/25, और ये आपका शेष फल आ जाएगा 14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये जो क्लास थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेष फल आपका पूरी तरह से खत्म होता है। अगर ये आप सारी क्लासेस जो शेष फल की हैं वो देख लेते हैं तो आपको किसी भी सवाल में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे डाउट, आप अपने डाउट लिख सकते हैं, और कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।